अयोध्या में आज 108 फीट लंबी अगरबत्ती जलाई गई। 45 दिनों तक ये लगातार जलती रहेगी। गुजरात के वडोदरा से अयोध्या पहुंची अगरबत्ती तस्वीरों में आपको नजर आ रही है और इसे चूंकि आज जलाया गया है तो 45 दिनों तक ये लगातार जलेगी। 108 फीट लंबी ये अगरबत्ती है। देखिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। अयोध्या में आज भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित तमाम अनुष्ठान शुरू हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का भी आना लगातार जारी है और राम भक्त अपने अपने अंदाज में इस उत्सव को मनाना चाह रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम अयोध्या बस स्टैंड पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। 108 फुट लंबी ये विशाल अगरबत्ती लेकर वडोदरा गुजरात से पहुँच गए हैं राम भक्त और इसको अयोध्या बस स्टैंड पर अभी रखा हुआ है। आज इसको जलाने की शुरुआत कर दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा के पूजा अनुष्ठान के शुरुआत से ही इस अगरबत्ती के भी जलने की शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी विशाल अगरबत्ती है कि 4-5 लोग मिलकर लगातार इसके ऊपर घी डाल रहे हैं और इसको जलाने का क्रम अभी शुरू हुआ है। इनका कहना है कि कई दिनों तक ये अगरबत्ती जलती रहेगी और जो लोग गुजरात से इसको लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल हनुमान के वेश में यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा जो गुजरात से और लोग हैं वो पारंपरिक गुजराती वेशभूषा में है, उनसे ही बातचीत करेंगे। अपना नाम परिचय सबसे पहले। मेरा नाम व्याभाई भरवाड़ है, गोपालक वडोदरा से। आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला एक मेडल भी पहना हुआ है, किस चीज़ के लिए? ऐसा दो मेडल मिला है हमको ये अगरबत्ती के लिए, एक अहमदाबाद से मिला है, एक बॉम्बे से मिला है। तो ये अगरबत्ती इतना विशाल बनाने का ख्याल कैसे है और कितना समय लगा? नहीं, हमें देखो 500 साल के बाद हमारे प्रभु श्री रामलला उनके निजी स्थान में आ रहे हैं तो हमारे में बहुत उत्साह है और उमंग था, इसके लिए बना दिया। और पूरे गुजरात की जनता, पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के राम भक्तों की ओर से हम लेकर आए इधर। अयोध्या में टीवी 9 के हाईटेक बस से प्रभु श्री राम पर सबसे बड़ा कवरेज जारी है। टीवी 9 भारतवर्ष का तमाम बड़े साधु संत इस भव्य आयोजन में शामिल हो रहे हैं। हाईटेक बस पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पधारे, आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या में सरयू की पैड़ी के किनारे और मेरे साथ संतों का एक बहुत बड़ा जत्था जिसकी अगुवाई जगत गुरु कर रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, आज तो क्योंकि अब 8 दिन से भी कम समय बाकी है तो ऐसे में इन कम समय में बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से अपनी भावनाएं, अपना जो उद्गार है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आप तो अयोध्या में हैं, अयोध्या में सरयू की पैड़ी के किनारे हैं और हमारे हाईटेक बस में इतने सारे संतों का समागम हो रहा है, ये भी अद्भुत संयोग है। तो जरा बताइए क्या होने जा रहा है अयोध्या में और इसको देखकर संत जब गुनगुनाते हैं तो कैसे गुनगुनाते हैं, जरा ये बताइए। देखिए अयोध्या में इतनी प्रसन्नता है लोगों को कि जिस प्रसन्नता का लोग अनुभव कर रहे हैं और उस प्रसन्नता का इतना अनुभव कर रहे हैं सब कि वो ओवरफ्लो हो रही है। इनकी प्रसन्नता ऐसी ओवरफ्लो हो रही है कि उनको कोई परवाह नहीं है कि कौन आ रहा है भगवान राम की प्रतिष्ठा में और कौन नहीं आ रहा है, कौन मना कर रहा है, कौन आलोचना कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, इसकी भी कोई फिक्र नहीं है। प्रसन्नता में इतने आनंद विह्वल हैं अयोध्यावासी कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। क्या सुनाएंगे जरा बताइए। जी हम सब बहुत उत्साहित, हमारे सभी साधु समाज उत्साहित है, इस पे राम राजा बन रहे हैं, इतना 500 वर्षों का हम सब प्रतीक्षा किए हैं। सुनाएंगे जल्दी समय जाए कि राम राजा सिया जू महारानी मधुपुरे रानी, राम राजा सिया जू महारानी मधुपुरे राजेदानी, बाजे बढ़िया प्रगट भए करो भैया अवध घर बाजे बढ़िया, बाजे बधैया प्यारे बाजे बधैया, बाजे बधैया प्यारे बाजे बधैया प्रगट है रघुरैया अवध घर बाजे बधई। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी राम आएंगे और आएंगे तो हमें दर्शन देंगे। क्या हम यूथ को जब दर्शन देते हैं तो ये बताइए एक संत को कैसा लग रहा है इस समय अयोध्या में, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या फर्क आया जरा बताइए। अरे भाई संत तो राम जी के नाम पर मुड़ मुड़वाया है चाहे दाढ़ी रखाया है, संत से ज्यादा आनंद और किसको आएगा। यहाँ तो संतों के साथ साथ बसंत चल रहा है इस समय, संतों के साथ बसंत आ गया है। तो फिर क्या सुनाएंगे आप लोग इस मौके पर, याद करिए।
मैं हूँ राम का दीवाना, मैं राम बोलता हूँ, मैं हूँ राम का दीवाना, राम बोलता हूँ, बसा के उनकी तस्वीर डोलता हूँ, दिल में बसा कर उनकी तस्वीर डोलता हूँ, मैं हूँ राम का दीवाना, मैं राम बोलता हूँ। भारतवर्ष के हाईटेक बस में तो माहौल और ज्यादा मतलब ऐसा महसूस लग रहा है कि हम भगवान के उस पुष्पक विमान के ऊपर चल रहे हैं। पुष्पक विमान चल रहा है टीवी 9 भारत का और हम उसमें सब राम जी की तरह आनंद ले रहे हैं। और तो किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं जो आपको ये बताएंगे। स्वागतम रामा, सुस्वागतम रामा, स्वागतम रामा, सुस्वागतम रामा, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम रामा। ये 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 तो राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जो अयोध्या को इतना चमका दिया, इतना रसीला रंगीला नव दिव्य और भव्य बना दिया। तो सुनाएंगे सीता जी से कह रही हैं, झुक जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी है, झुक जइयो तनक रघुबीर लली छोटी है, झुक जइयो तनक है छोटी है, छोटी है मंगवारी है, छोटी है जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। सुना क्या आप तैयार किया था जरा वो सुनाइए। मैंने ये कहा था सांझ भई दिन छिप गयो नैना भय उदास, और रात मेरी कैसे कटे मुझे राम जी मिलन की आस, मुझे राम जी मिलन की आस, ए हवा तू कहाँ जा रही है, ए हवा तू कहाँ जा रही है, मुझे मेरे राम जी की याद आ रही है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट आप सभी के लिए, पुणे में तैयार हो रहे हैं रामलला के वस्त्र, रामलला की मूर्ति के लिए ये कपड़े तैयार किए जा रहे हैं और ये तैयार हो रहे हैं पुणे में। 13 दिन का है दो धागे श्री राम के लिए अभियान जो पुणे में चलाया जा रहा है। रेशम से तैयार किए जा रहे रामलला के कपड़े, तस्वीरें आपके सामने हैं।